हरे कृष्णा। 13 अप्रैल 2022 को शाम 7:30 बजे से MI व BBKS के बीच में मैच है और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है MI की टीम और BBKS की टीम के प्लेयर्स का प्रदर्शन। चलिए हम देखते हैं टैरो कार्ड्स कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं। सबसे पहले हम टीम ले लेते हैं MI की टीम और हम लेते हैं रोहित शर्मा। 13 तारीख के मैच में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कैसा है टैरो कार्ड्स प्लीज बताएं। बहुत ही बढ़िया, पहला ही कार्ड जो आया है वो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है रोहित शर्मा के लिए और इनका प्रदर्शन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। ही विल प्ले वेरी गुड। एस यादव, यादव के लिए ओके एवरेज की एनर्जी है। उसके बाद हम देखते हैं ईशान किशन। ईशान किशन के लिए भी बढ़िया कार्ड है अच्छी एनर्जी, ही विल प्ले गुड। पोलार्ड, पोलार्ड के लिए भी बढ़िया कार्ड है, गुड गुड एनर्जी। तिलक वर्मा, वर्मा के लिए हम देख सकते हैं ओके एवरेज की एनर्जी है। संजय यादव, यादव के लिए टैरो कार्ड्स गुड गुड एनर्जी। डैनियल सैम्स, सैम्स के लिए टैरो कार्ड ने एवरेज की एनर्जी कहा है। टिम डेविड, डेविड अगर खेलते हैं इस मैच में तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जी शो हुई, ही विल प्ले वेरी गुड। अर्जुन तेंदुलकर, जो तेंदुलकर हैं वो अगर खेलते हैं तो गुड एनर्जी, ही विल प्ले गुड। जसप्रीत बुमराह, बुमराह के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं ओके एवरेज जैसी एनर्जी है, ठीक ठाक रहेगा उनका प्रदर्शन। थम्पी, बसल थम्पी करके जो हैं उनके लिए ओके नेगेटिव एनर्जी है। एम अश्विन, अश्विन की गुड एनर्जी, ही विल प्ले गुड। उन्नाद कटकर के जो प्लेयर हैं अगर वो खेलते हैं तो गुड वेरी गुड एनर्जी। मिल्स, जो मिल्स हैं वो अगर खेलते हैं तो बड़ी एनर्जी, गुड ही विल प्ले गुड। आर्चर, आर्चर जो प्लेयर हैं उनका इस मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है अगर वो खेलते हैं तो, ही विल प्ले वेरी गुड। मोहम्मद अशरद खान, खान के लिए टैरो कार्ड बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है मोहम्मद अशरद खान का इस मैच में। तो इस तरीके से हमने मुंबई इंडियंस की टीम के कुछ प्लेयर्स के नाम लिए और देखा कि कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा, कार्ड्स क्या कहते हैं। अब हम लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम से। पंजाब किंग्स की टीम से प्लेयर्स हैं उनके बारे में टैरो कार्ड क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। शिखर धवन, 13 तारीख के मैच में शिखर धवन के लिए कौन सा कार्ड है, गुड ही विल प्ले गुड। मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल के लिए गुड एनर्जी, ही विल प्ले गुड। भानुका राजपक्षे, भानुका के लिए कैसी है ओके गुड। उसके बाद है जॉनी बेयरस्टो, जॉनी बेयरस्टो के लिए कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं ओके एवरेज ही एनर्जी। प्रभा सिमरन सिंह, सिंह के लिए ओके गुड ही विल प्ले वेरी गुड। लियाम लिविंगस्टोन, लियाम के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, ही विल प्ले गुड। शाहरुख खान गुड एनर्जी। हरप्रीत बराड़, बराड़ करके जो हैं वेरी गुड ही विल प्ले वेरी गुड। फिर है आर बाबा, बाबा करके जो प्लेयर हैं उनका 13 तारीख के मैच में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, गुड एनर्जी। ऋषि धवन, धवन करके जो हैं
गुड। उसके बाद है अंश पटेल। ए पटेल जो है, ए पटेल के लिए कार्ड क्या कहते हैं? ओके गुड। रबाड़ा, रबाड़ा के लिए 13 तारीख के मैच की क्या एनर्जी है? ओके ही विल प्ले, वेरी गुड। रबाड़ा के लिए जो कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ही विल प्ले, वेरी गुड। अर्शदीप सिंह है, अर्शदीप सिंह है के लिए भी बहुत बढ़िया कार्ड। ही विल प्ले, वेरी गुड। संदीप शर्मा, संदीप शर्मा के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? गुड। ही विल प्ले, गुड। ईशान पोरेल, ईशान पोरेल के लिए 13 तारीख के मैच में, ओके ओके जैसी एनर्जी है। राहुल चहर, चहर के लिए कार्ड गुड। ही विल प्ले, गुड। वैभव अरोड़ा, अरोड़ा के लिए, ओ वाओ, ही विल प्ले, वेरी गुड। नाथन एलिस, एलिस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? ओके गुड एनर्जी। तो इस तरीके से हमने दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन देखा। जो कार्ड ने शो किया वही हमने आपसे शेयर किया। थैंक यू।